अगला सवाल है श्री कृष्ण सुगंधी का, पुणे से जुड़ रहे हैं। बताइए सुगंधी जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा एक सवाल है कि मैंने अपार इंडस्ट्री ले रखा है, करीब 30 शेयर है 2700 के भाव के, और दूसरा है टाटा एलेक्सी, वो है करीब एवरेज में 7000 के भाव में। ओके, पहले तो ये बताइए कि ये आपने अपार इंडस्ट्रीज अभी हाल फिलहाल में लिया है? नहीं, मैं लेता था और बेच देता हूँ, लेता हूँ बेच देता हूँ, ऐसे ही चल रहा था मेरा ट्रेडिंग में। हाँ हाँ। तो अच्छा मतलब मिला है मुझे पैसा, तो मैं सोचा भी यही, और रिजल्ट इसका बहुत अच्छा आया था, तो सोचा कि ले रखा है फिर से। ओके सरवन जी, अपार इंडस्ट्रीज में इन्होंने 2700 पे लिया और अभी इनको 66 रुपये पर शेयर का फायदा, लेते बेचते रहते हैं और फायदा कमा रहे हैं, क्या करना चाहिए अपार इंडस्ट्रीज में? नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेते बेचते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन फिर लेते 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 अब स्टॉक ये भी मान के चलें कि 500 रुपए वाली चीज अब तकरीबन 3000 जाके आई है, तो ओवरबॉट भी हो जाती है, तो अब यहाँ से नो डाउट पैसे बन सकते हैं, बट कितना रिस्क ये समझना जरूरी है। तो यहाँ से रिस्क अब बहुत ज्यादा है, जो चीज 500 से 3000 आ गई बहुत ओवरबॉट हो गई, वहां पे अब रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके लिए अब ये स्टॉक नहीं है। स्टॉक वैसे अच्छा हो सकता है, बट जो इनकी मेंटेलिटी, जो इनका स्ट्रेटेजी है, उसके लिए पॉसिबली अब ये स्टॉक उतना बेस्ट फिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो कॉस्ट के ऊपर एक स्टॉप लॉस एग्रेसिवली लगा के रखें और इस बार खड़े रहने की कोशिश ना करें, मतलब कॉस्ट के नीचे अगर किसी कारण से जाए तो निकल जाए। ओके, अपार में ये राय है कि 2700 पे स्टॉप लॉस रखिए, जहां तक पैसा बने बनाइए, और अगर नीचे जाने लगे तो निकल जाइए। अगला शेयर इनका है टाटा एलेक्सी, 7000 के भाव पे खरीद रखा है जी। देखिए यहाँ पे तो स्टॉक में बढ़िया एक पुलबैक उछाल चल रहा है, पूरे सेक्टर में भी चल रहा है, तो आईटी स्पेस में आई थिंक उसमें आउटलायर रहा है, सबसे बढ़िया आई थिंक बेस्ट पैक में रहा है, परफॉर्मेंस के बेस्ट पैक में रहा है, तो आई थिंक जब तक उस फीट को ये रिपीट करता रह रहा है और जब तक अच्छे से चल रहा है, आई थिंक ट्रेड में बने रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस इनको कहीं इसमें जरूर ट्रेल कर लेना चाहिए। मुझे जो एक डिसेंट स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पे दिख रहा है, जो सपोर्ट एरिया पिछला रहा है, वो है तकरीबन 7200 के नीचे, तो आई थिंक 7198 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा ले और मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड में बने रहे। ओके, ट्रेड में बने रहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।